Hello, listeners. I am Dr. Anuj Kumar Sharma, uh, working in Centre for Advanced Studies, uh, which is in Campus Institute of Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, uh, located in Lucknow. So uh, today's topic of discussion uh, from the strength of material subject is Rankine and Gordon formula. So this is the last topic of uh, the third unit. Uh, ट डेट और टिल दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि कितने कॉलम्स होते हैं कितने तरह की एंड कंडीशंस होती हैं किस तरह से हम यूलर क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट करते हैं दी स्टैंडर्ड फार्मूला तो ये सारी इसके प्री रिक्विजिट्स हैं तो हमको अभी तक पता होना चाहिए कि यूलर क्रिपलिंग लोड कैसे कैलकुलेट करना है वॉट इज़ दी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर दी यूलर क्रिपलिंग लोड अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड कंडीशंस सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस रेनकाइन एंड गॉर्डन फार्मूला सम एडवांस वर्जन एंड मॉडिफिकेशन इन दैट यूलर फार्मूला तो किस तरीके से जो उसकी इवन जो यूलर की लिमिटेशंस हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में सो दीज आर दी आउटलाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर सो विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स देन लिमिटेशंस ऑफ यूलर फार्मूला बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बस इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस और डिसएडवाटेज़ तो किन कंडीशंस में हम लोग यूलर फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं देट वी विल डिस्कस हेयर देन विल डिस्कस दैनकाइन फार्मूला रैनकाइन ने क्या प्रपोज किया क्या उसने रिकमेंडेशन्स दिए उस फार्मूले में क्या मॉडिफिकेशंस किए दैट वी विल डिस्कस न गॉर्डेंस फार्मूला उसने कुछ मॉडिफिकेशंस किए देट वील माइनर सा चेंज उसने किया बट समर देयर सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आफ्टर वील सी देशस ऑफ इसट्रिक लोडिंग सिकेंड फार्मूला वॉज डिराइव्ड एंड देट वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस एंडन वी विल डिस्कस वन स्मॉल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जस्ट टू अंडरस्टैंड Uh, basics or fundamentals related to this particular topic so this is very important topic and concluding topic of this unit number three uh, so we all know that uh, strut is what and what is the difference between the strut and the column and uh, we know this is the uh, Euler's crippling equation so this is the euler's equations where l e is the equivalent length of the column, so we know all these conditions. so this is the le, le is the equivalent equivalent length of the column. Uh, और ये तब हम मानते हैं जब कोई अगर column है जो simply दो end उसके अगर hinged हैं, तो उसकी जो length होगी वही length एक उसकी इक्विलेंट लेंथ भी हो जाती है सो दिस लेंथ एंड दिस इज इक्वल टू एल ई फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बोथ एंड सीस तो यहाँ पे जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज इक्विलेंट लेंथ है दैट इज इक्वल टू एल फॉर दी बोथ एंड सीस्ड ये वाली जो कंडीशंस है ये वाली सो इन दिस स्लाइड वी आर जस्ट रिकैपचुलेटिंग वट एवर वी नो टिल दिस पर्टिकुलर लेक्चर सेकेंड कंडीशन इज बोथ एंड फिक्सड तो अगर कोई एक कॉलम है जिसके दोनों एंड फिक्स हैं तो इस कंडीशन में अगर उसकी लेंथ है एल सो व्हाट शुड बी द इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव लेंथ वुल बी इक्वल टू एल बाई टू सो दिस वुड बी द इक्वलेंट लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम नेक्स्ट केस में भी वन एंड फिक्सड एंड द अदर एंड हिंचड सो वन केस इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंचस्ड तो इफ दिस सिचुएशन अराइजेज so let's say the length of this column is l so the equivalent length of this column is equal to l by root 2 so this we have to remember now the last and the fourth situation may be uh, this kind of situation where one end is fixed one end is fixed and other end is free as it is free so in that condition the let's say its length is l

उसको अगर हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं तो इट मे फेल ड्यू टू द डायरेक्ट स्ट्रेस लेकिन जो लॉन्ग कॉलम्स हैं वो आ, इस वजह से फेल आ, नहीं होंगे वो बकलिंग की वजह से फेल होंगे क्रशिंग की वजह से फेल नहीं होंगे तो उसको उसने नेगलेक्ट किया देन दिस फार्मूला वाज प्रपोज्ड, बट इट हैज़ सम लिमिटेशंस तो अगर हिंज जॉइंट की हम बात करें दोनों एंड्स अगर हिंज्ड हैं सो दिस इज़ द फार्मूला नाउ विल सी सो इट कैन बी रिटर्न एज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर अगर दोनों एंड सेंज्ड हैं तो इक्वलेंट लेंथ जो है वो लेंथ के बराबर हो जाती है बीम के सो फ्रॉम हेयर यू सी पाई स्क्वायर ई वी कैन पुट आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर सो ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस एक्शन एंड के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन सो वी कैन पुट इन दिस ट्रम ना वी कैन रीअरेंज द टर्म सो पाई स्क्वायर ई ए को हमने एज इट इज़ छोड़ा और के स्क्वायर को हम नीचे लेके आए और उसको अगर हम कॉमन स्क्वायर लेते हैं तो इट बिकम्स एल ई बाई के सो यूलर स्क्रिपलिंग स्ट्रेस अगर हम कैलकुलेट करें सो दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द लोड डिवाइडेड बाई एरिया सो दिस इज़ पी बाई ए सो इट मीन्स वी कैन पुट पी लाइक दिस और वी कैन पुट ए हेयर पी बाई ए

तो अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन को देखें सिग्मा सी की वैल्यू क्या है पाई स्क्वायर ई अपॉन सिलेंडरनेस रेशियो स्क्वायर सो पाई स्क्वायर ई अपॉन सिलेंडरनेस रेशियो यानी एल ई के स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू टू इससे कम होना चाहिए सो इट मीन वी हैव वन इक्वेशन है तो ये जो इक्वेशन है अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो वी गेट एल ई बाई के होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई स्क्वायर ये ई e, जो था पुराने एक्सप्रेशन में एंड दिस इज़ सिग मासी तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वट वी गेट एल ई बाई के होल स्क्वायर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू सिक्स फोर एट सेवन एट और अगर हम इसका स्क्वायर को रिलीज़ करते हैं तो इफ़ यू टेक एल ई बाई के सो इट विल कम एल ई बाई के शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एटी पॉइंट फोर एट सो लेट्स एफ यू टेक इट एज रफली सो इट विल बी द एट्टी पॉइंट फोर एट और इट कैन बी राउंडड ऑफ टू एट्टी सो इसका मतलब जो हमारा रेशियो है दैट शुड ऑलवेज भीवल टू एट्टी पॉइंट फोर एट सो फॉर यूलर्स फॉर्मूला टू बी वैलिड फॉर माइल्ड स्ट्रीट स्ट्रट मीन्स इफ इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन कॉल इट एज कॉलम इट शुड नॉट बी लेस देन एट्टी पॉइंट फोर एट सो इट मीन्स इट शुड ऑलवेज भी ग्रेटर इससे अगर कम है तब फिर हमारा ये जो यूलर इक्वेशन है वो काम नहीं करेगी सो इट इज़ दी लिमिटेशन ऑफ द यूलर फार्मूला तो इसका मतलब ये तो हमने स्टील के लिए निकाला वी कैन कैलकुलेट इट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स कॉलम इफ यूलर्स फार्मूला इज़ यूज फॉर सच कॉलम्स द बकलिंग लोड विल बी कंसिडरेबली मोर देन इट शुड बी तो जो भी हमारा यूलर्स फार्मूला है वो अगर इन कॉलम के लिए यूज़ करते हैं तो जो बकलिंग लोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा जितना उससे होना चाहिए तो इसलिए क्या है कि ऑन अकाउंट ऑफ दिस यूलर्स फार्मूला इज़ नॉट वाइडली यूज इन प्रैक्टिस सो इस वजह से ज़्यादा हम इसको यूलर्स फार्मूले को जनरली नहीं यूज़ करते हैं उतना ये यूज़फुल नहीं है तो इट मीन्स वी नीड सम मॉडिफ़िकेशन्स इन दिस तो कुछ हमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे तो यूलर को मॉडिफाइन करने के लिए एक रैनकाइन ने कुछ चीज़ें प्रपोज़ की तो जो कॉलम्स मिडिल uh, लॉन्ग कॉलम्स हैं या जो मीडियम कॉलम्स हैं जो नाइदर दे आर वेरी शॉर्ट नॉट दे आर वेरी लॉन्ग दीज कॉलम्स आर फेल्ड जनरली ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बैंडिंग स्ट्रेस तो दोनों से मिला के ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट इग्नोर दैंडिंग स्ट्रेस क्योंकि यूलर में क्या किया है हम लोगों ने बैंडिंग स्ट्रेसिस को नेग्लेक्ट किया है उनको उनके इफेक्ट को इग्नोर किया है बट हेयर वी कैन नॉट इग्नोर इट सो इट मीन्स

एंड यूलर्स बकलिंग लोड क्या आता है अगर हम यूलर्स बक ये तो हमारा पी ई इंटू सिग्माई ई ए जो है दिस इज फॉर द शॉर्ट कॉलम और अगर हम लॉन्ग कॉलम्स की बात करें तो लॉन्ग कॉलम्स के लिए जो फार्मूला है उसने क्या ड्राइव किया वो ये ड्राइव किया है ये लॉन्ग कॉलम्स के लिए है, तो दो डिफरेंट फार्मूले हो गए सो so, अब हम क्या, क्या, क्या किया कि एज़ पर रेनकाइन ने क्या प्रपोज किया वन अपॉन पी आर इज इक्वल टू वन अपॉन पी सी मीन्स क्रिपलिंग लोड एंड वन अपॉन पी ई मीन्स यूलर लोड ये उसने प्रपोज किया तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो जो पी आर है तो जो दोनों वजह से फेल हो रहे हैं तो इसको हमने रीअरेंज किया एल सी एम लिया यहाँ पे कि इसको एल सी एम लिया तो ये हो गया पी सी इन टू पी ई तो यहाँ पे जब इसको करेंगे सो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन पी ई प्लस पी सी अपॉन पी सी पी ई इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं सो इट विल बिकम पी आर इज इक्वल टू पी सी पी ई अपॉन पी प्लस ई सी तो पी आर को हमने ये जस्ट रेसिप्रोकल किया देन वील गेट पी आर इज इक्वल टू पी सी अपॉन दिस वन प्लस पी सी अपॉन पी हमने रीअरेंज किया इसको और नाउ वी हैव पुट द क्रिपलिंग लोड अगर हम देखें डायरेक्ट स्ट्रेस का कितना आता है सिग्मा सी इन टू ए सो दिस वी हैव रिप्लेस्ड बाई दिस एंड दिस पी ई वी हैव ये तो हमने इससे प्रपोज किया और वो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल e ई स्क्वायर ये हमने ये प्रपोज किया ये वाला सो वॉट एक्सप्रेशन वी गॉट पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी ए अपॉन वन प्लस सिग्मा सी ए एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई आई तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल गेट सिग्मा सी ए अपॉन दिस इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल गेट पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी ए अपॉन वन प्लस सिग्मा सी पाई स्क्वायर ई एंड सिलेंडरनेस रेशियो का स्क्वायर तो एक तो ये टर्म आ रहा है हमारे पास और एक सिलेंडरनेस रेशियो आ रहा है तो व्हाट वी कैन डू वी कैन एज्यूम दिस टू बी अल्फा ये हमने कांस्टेंट क्यों क्योंकि सिग्मा सी इज कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल मॉडल्स ऑफ लास्टिसिटी इज मटीरियल प्रॉपर्टी सो इट इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड इज ऑब्वियसली ए न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये कॉन्स्टेंट है तो जब ये एक्सप्रेशन मिला तो हमको जब पी आर जो एनकाइन मिलेगा व्हाट इट वुड बी इट वुड बी इक्वल टू सिग्मा सी ए अपॉन वन प्लस अल्फा एल ई अपॉन के होल स्क्वायर सो दिस अल्फा इज द कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल टू मटेरियल सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ विल कंसीडर फॉर माइल स्टील अल्फा इज इक्वल टू वन बाई सेवन फाइव डबल जीरो सो इट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू वी कैन टेक दिस वैल्यू एंड वी कैन यूज दिस वैल्यू whenever we require and let us say for cast iron alpha is equal to 1 by 1600 so as the hardness is increasing this value is decreasing so it depends upon the properties of the material so for aluminum it would be have some different value uh, 1 upon uh, 9000 iso suppose so like this we can get the value of alpha corresponding to uh, many so, P, P Rankine is equal to sigma C A upon 1 plus alpha L E upon k whole square. So, this is the Rankine formula. So, now Gordon has modified this formula up to some extent, very minor uh, you know the modification the Gordon proposed just because we are looking in this it is L E by k. So, this is the slenderness ratio, but it is the radius of gyration. इन रैन काइन बॉर्डन मॉडिफाइड दिस सो गॉर्डन रोड दमूला लाइक दिस सिग्मा सी ए अप ऑन वन प्लस अल्फा की जगह उसने क्या किया बीटा कर दिया सो बीटा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपऑन मेटीरियल एंड एल ई बाई डी इसने के की जगह क्या किया जो हमारा डायमीटर है सो वेयर बीटा इज देंट and d is the least diameter or width of the bar if it is circular cross sectional column so this diameter is d and if it is let us say it is this particular so whatever the width of this cross section let us say this is the width so this is the dimension which is equal to d so in both of the beams or both of the sorry both of the columns we can consider the corresponding क्वान्टिटी सो दिस इज द गॉर्डन फार्मूला नाउ वील कंसिडर दिस केस दिस इज द इसेंट्रिक लोडिंग टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ओनली दल लोडिंग और अगर जो लोडिंग जहाँ पे एक्सिस में लगी हुई थी जो उसकी एक्सिस है तो अभी अगर हम लोग इसेंट्रिसिटी की बात करें तो फॉर देट सीकेंट हैज डिराइव सम फार्मूला सो दैट फार्मूला इज नोन एज द सीकेंट फार्मूला इन दिस डाइग्राम इफ वी कंसिडर वन कॉलम लेट्स ए दिस इज द कॉलम initially it was the column now we have applied a load at a distance of eccentricity e from here so this is the eccentricity so when and again uh, we have to uh, either we have to fix this or we have to put the same force in, in the opposite direction at the lower end just to have buckling so now this column has buckled like this so we have eccentricity, so what we have done? We have considered one point which is at a distance of x from this particular end. So what what is the deflection of this? Let us say deflection is y right. So if you want to calculate the moment at this particular point, so this moment would be equal to P into y. So likewise we have considered this and uh, if we see moment is equal to p into y so this is the moment so now let's say we want to derive some formula for the crippling load or for the load uh, buckling load uh, where this column is going to be buckled so for that we have assumed some assumptions and we are driving this with an eccentricity of small e so we know uh, this expression this is the eulers equation e i into d square y upon d x square is equal to minus m x. So, minus m x means this m x is the movement at distance of x. So, here m x is equal to p into y. So, put this value here you will get this and this equation will be simplified to EI d square y upon d x square plus p into y equals to 0. So, this is the uh, second order differential equation simple differential equation. So, it must have uh, some roots or some solutions. So, again we will uh, you know rearrange the term we can move E i from numerator to the denominator. So, like this if we divide the complete equation by E i, so we will get this expression d square y upon d x square plus p upon E i into y equals to 0. So, for simplicity we can assume p upon E i is equal to m square. So, we can put this p upon e i is equal to m square in this expression then definitely we will get d square y upon d x square plus m square y equals to 0. So, what would be the general equation of this? So, general equation uh, general solution of this equation would be c 1 cos m x plus c 2 sin m x is equal to y. So, this is the general solution of this equation. So, where c 1 and c 2 are constants. So, it means we have to uh, find out the value of constants to solve this equation if we want to calculate the y or dy by dx so we need the value of c1 and c2 so for this we require the boundary condition so from here we can see at x is equal to 0 y is equal to e so at this position if we see at this point so what is the displacement that is equal to y so this is the boundary condition we can put here if we put C, we will get C1 is equal to E because at this particular position y equals to E. So, we can put y equals to E, C1 cos mx, this is 1. So, C1 is equal to sin mx is 0. So, we will get C1 is equal to E. Now, second boundary condition will be at x is equal to L, means at the lower end, y would be how much again it is equal to E. So, at this end, again the लेटरल डिफ्रेक्शन लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच इट इज़ स्मॉल ई सो वी कैन पुट दिस एक्सप्रेशन ऑल्सो इन दिस इक्वेशन सो अगर हम रखेंगे तो वाई की जगह ई तो ये ई यहाँ पे आया एंड सिमिलरली सी वन इज इक्वल टू ई ऑलरेडी वी हैव दिस ये यहाँ से आया नाउ कॉस एम एल प्लस सी टू साइन एम एल सो यहाँ से हमको जो एक इक्वेशन मिला सी टू मिल की एक वैल्यू मिल गई सी टू इज इक्वल टू वी कैन सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन टू गेट द

वी पुट दिस वैल्यू सी टू एंड सी वन इन दिस एक्सप्रेशन सो दिस इक्वेशन इज रिड्यूस टू दिस वाई इज इक्वल टू ई कॉस वी हैव रिप्लेस्ड सी वन एंड सी टू तो सी वन सी टू की हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली नाउ दिस इक्वेशन हैज रिप्लेस टू वाई इज इक्वल टू ई कॉस एम एक्स प्लस ई टेन एम एल बाई टू साइन एम एक्स तो यहाँ पे जो अब है हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमको अगर वाई निकालना है वी कैन पुट द वैल्यू का टू एनी पर्टिकुलर पॉइंट नाउ दिस इज द इक्वेशन नाउ एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू एट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू इन द मिडिल सो वॉट वुड बी द डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन वुड बी मैक्सिमम सो दिस डिफ्लेक्शन इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट सो वी हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू सो वी हैव पुट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू ना यू कैन फाइंड y max is equal to this e we have rearranged this. So, cos square m l by 2 plus sin square m l by 2 upon cos m l by 2. So, cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So, it would be this term will be equal to 1. So, 1 upon cos m l by 2 will become sec m l by 2. So, this e multiplied by sec m l by 2 and if we put the value of m M square is equal to P upon EI, so M is equal to under root P upon EI into L by 2. So if we do this, so we'll get E sec underscore uh, under root P upon E i L by 2. Again, if we will simplify, uh, so we can simplify it further. Now calculate the M max. So why we are calculating? We can apply the uh, this to calculate the stresses also. The M max is equal to P into Y max. So that P and this is y max y max is this so this is y max if we calculate the moment at this point that would be equal to p multiplied by y max so this would be the m max the resultant stress would be how much that would be equal to due to the direct stress p by a and due to the bending stress m by z so, we can put all these values here. So, p by a plus minus we have put the value of m here, m is this. So, we have put this and y c it means it is the y maximum and upon i, i is the ak square. So, like this we have put this expression. So, if you will see here, so this expression has come to this sigma max is equal to p by a 1 plus e y c by k square sec. अंडर अंडर रूट पी अपॉन ऑन ई आई एल बाई टू अगर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं कि अगर ये तो वाई सी को अगर हम किसी भी फाइबर uh, के लिए लेना चाहें ये तो मैक्सिमम के लिए और अगर हम इसको इक्वलेंट लेंथ के लिए करना चाहें तो वी कैन रिप्लेस एल बाई एल ई सो दिस इज द इक्वेशन विच इज़ एप्लीकेबल फॉर द कॉलम्स सो वेयर एल ई इज़ द इक्वलेंट लेंथ So, this was all about the secant formula. If you want to calculate the maximum bending stress, we can calculate using this. Now, we will take the small numerical problem just to understand the uh, basics or fundamentals okay, how we can solve the numerical formula. So, this is the numerical where steel tube is initially straight and has an external diameter of 3.8 centimeters, the external is means D is given an internal diameter small d is given and 1.5 meter long so it is the length it is the length of this particular uh, long column and it carries a compressive load of 20 kilo newton so this p is given load is given now this is acting parallel to the axis of the tube but 0 0.2 centimeter from it so it means eccentricity is given that is 0 0.2 centimeter so these uh, dimensions are given now we have to calculate the maximum stress in the tube e is given to us. So very straightforward formula based numerical small numericals generally don't come but we have to understand this to solve the advanced numerical problems. So, we can calculate the area because this is the you can see this is the cross section so, if we calculate the moment of inertia or the area we can calculate this so pi by 4 capital d square minus small d square so we can get the value 1.72 centimeter square now we can convert it into the meter now moment of inertia is pi by 64 into d raised to the power 4 minus small d raised to the power 4 so we can calculate the moment of inertia in centimeter square we can convert it into meter or si unit meter raised to the power Four. Now, alpha we know under root up, uh, under root of p upon e i. So we can calculate p is given to us, e i i we have calculated e is given to us. So we can calculate it. This alpha is one point eight two six. So all these things we require all are the standard formulae. Alpha l because we need this alpha l by two. So that's why we have calculated this. So we can calculate this just numerical one point three double six radian so now if we convert it into the degree so we can convert it into 78.28 so alpha l by 2 is 78.28 now sec alpha l by 2 that would be equal to because we need uh, during calculation of moment so it is 4.92 so whatever we will require in uh, future we are just calculating those things so if we will see maximum bending moment is given by P m, this formula is standard, we have derived in the previous slides. So, we can apply the numerical values and we can get the maximum bending moment that is 196.9 Newton meter direct stress is sigma 1 p by a we can calculate just by putting the numerical values and we can get 116.279 direct stress we have calculated maximum bending moment we have calculated bending stress can be calculated by m by z so you can just apply the numerical values and we can get 130 likewise we have calculated both these stresses direct stress and bending stress now we can find out the resultant stress maximum compressive stress would be the sum of these two that would be sigma 1 plus sigma 2 and this is the maximum this was being asked in the numerical problem so likewise we can solve the simple numerical problems so i hope you have understood the basics of the uh, columns and struts now you can do and uh, you can attempt the complicated problems so thank you listeners for listening this uh, lecture thank you so much